ही एक्सीडेंट हो गया है भाई, मैं 20 इयर्स का हो गया, अब मेरे से उठा नहीं जाएगा। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इफ यू गाइस हैव वॉच्ड द लास्ट वीडियो, तो लास्ट वीडियो में बहुत मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो गया रहेगा, लाइक कलर ग्रेडिंग में थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो गया था एंड थोड़े ग्रेन्स ज़्यादा दिख रहे थे। दैट इज़ बिकॉज मैंने लैपटॉप पे फर्स्ट टाइम एडिट किया था एंड उतना अच्छे से एडिट नहीं हुआ जितना अच्छे से मैं फ़ोन पे करता हूँ। एंड कलर ग्रेडिंग एक्चुअली फ़ोन पे कलर ग्रेडिंग होता ही नहीं है, इसीलिए मैंने लैपटॉप पे एडिट करने के लिए ट्राई किया। बट होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, एडजस्ट किया होगा। आज हम लोग बाय द वे बैक वर्कआउट करने वाले एंड आज थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, 3:30 बजे निकला था पर हम लोग 3:30 बजे निकल रहे हैं अभी। कोई नहीं, हम लोग का ऐसे ही होता है, हम लोग बोलते हैं एक टाइम और निकलते हैं आधा घंटा एक घंटे के बाद, बट कोई नहीं। आज बाय द वे मेरे को एक चीज़ शेयर करनी है कि आफ्टर द एक्सीडेंट मेरे को एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से जिम जॉइंट मतलब जाऊँगा बट उतना अच्छे से वर्कआउट नहीं होगा जितना अच्छे से मैं करता था पहले। इवन दो जब मैंने जिम स्विच किया था तभी भी नोटिसेबल डिफरेंस था, मेरे को लगा था कि वेट भी ड्रॉप हुआ था, स्ट्रेंथ भी गई थी। जितना स्ट्रेंथ माई जिम में था मतलब पिछले जिम में था उतना ये जिम में नहीं था एंड हुआ नहीं। बट ओवर द लास्ट 1 or 2 weeks मैं जब ग्रुप में वर्कआउट कर रहा था, इफ़ यू लास्ट के 2-3 वीडियोस तो उन लोग के साथ में थी ग्रुप वीडियोस, तो उनके साथ जब मैं ट्रेन कर रहा था तब आई फेल्ट कि नहीं, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट एक्चुअली, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस, कि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था हेवी वेट्स पुल पुश करने के लिए। मेरे को लगता था कि एक्सीडेंट हो गया भाई, मैं 20 इयर्स का हो गया, अब मेरे से उठा नहीं जाएगा वेट एंड मैं हो गया बुढ़ा। वे पूरा एक्चुअली में ये फैक्ट है, मेरा इतना गंदा हालत हो गया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को अचानक से बिलीव हुआ कि मैं ओल्ड बूढ़ा हो रहा हूँ। ऐसे नहीं है, खाली 20 एज है मेरा, वो भी है काफ़ी मतलब ऐसा लगता था मेरे को कि हाँ नहीं अभी तो 20 चालू हो गए, अभी क्या वेट उठेगा मेरे से। ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अपॉन द माइंड सेट एंड द कॉन्फिडेंस। हाँ सो अभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं बोल सकते बट अभी हो रहा है एंड ओवर द कपल मोर वीक्स और भी अच्छे से हो जाएगा एंड देन वील गेट बैक एंड स्ट्रॉन्गर ऑन द ट्रैक। सो या एंड और एक सरप्राइज आपके लिए होगा, हम लोग को तो पता चल गया है, हम लोग बहुत खुश है उसके लिए। सो यस हम लोग बहुत खुश है, अभी ऐसा लग रहा है कब आएगा। मेरा प्लानिंग था कि आपके लिए सरप्राइज था ही, बट एज वेल एज जिसका जिसके थ्रू सरप्राइज आ रहा है उसको भी सरप्राइज देंगे, बट कुछ उल्टा ही हो रहा है अभी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी निकलते जिम को एंड आज अगर टाइम मिला जिम के बाद तो थोड़ा चिल करने जाएंगे, बहुत टाइम हुआ हम लोग ने एक साथ कहीं पे गए नहीं है घूमने के लिए, सो वो भी जाएंगे एंड या काय काय मी माझ्या बेस्ट फ्रेंडच्या पार्टी बसतोय नकल काय आलं कार्डिओ करणार वरती चढायला लागेल यार लाल लाल काय आलं इथं का हा कधी फोडे आले हीट ओके नाव आलं सर्दी झाली रे जरा ओके कूल हो गया ये भाई 50 क्या 5 किलो को पाचना है पाच भाई 21 ओवर होतो मी भेंडी रोज आज पहिलं पाहिजे रे। Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know.
फक वेरी गुड गाइस कंजस्टेड ये गाइस कंजस्टेड हो रहा है सॉरी मैं ना मच पाड़ो बाय सो आज का वर्कआउट बहुत ही अच्छा था एंड बहुत ही अच्छा फ्रेम लग रहा है ये क्यों ओके सो बहुत ही मजा आया वर्कआउट करके एंड आज सर ने थोड़ा न्यू टेक्निक सिखाई इसलिए थोड़ा टाइम भी गया एक्चुअली हम लोग को बाहर जाना था बट टाइम मिला ही नहीं हुआ ही नहीं वर्कआउट सॉरी नेक्स्ट टाइम जाते हैं अपन आज बहुत ही तगड़ा वाला वर्कआउट हुआ एक्चुअल में हम लोग ने लिमिट्स क्रॉस किए लाइक लैट पुल डाउन में मैं यहाँ पे 140-130 गया था मैक्स आज 160 जाने वाला था बट आई थॉट कि 150 जाता हूँ सो 150 गया तो या वो आपको वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड टिल देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन बाय मेरे को एक चीज़ से कंप्लीट हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा हिंदी दे ये कट सॉरी मम्मी क्या करो तुझे जोड़े को ब्लॉग कैसे नहीं है तू कैसे करो मैं एक चैनल बंद कर रहा हूँ मेरा चैनल आपसे सो मात्र ब्लॉग सो मात्र ब्लॉग एडिटिंग करना बाकी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना याद करो फिर काट कर गई थी वहाँ पे गए थे बॉबी भाई